इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह पाक खैर करें। मूवी के अंदर कार्टून्स मेरा अपना रेडी हो चुका हुआ है जिसका मैंने जिक्र किया था आपके साथ। अगर रिहायशियों ने जो है मतलब थोड़ी कंप्लेन वगैरह की, गाड़ी थोड़ी सी हो गई थी हीट, तो इसको भाई मैं अस्सलाम जी वेलकम बैक अनदर व्लॉग जी। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज है जी मंडे और ज़ैनब को छोड़ने जा रहा हूँ भाई स्कूल। आज ज़ैनब का है मूवी डे। आज आपका क्या है? फंक्शन और मूवी डे। आज ज़ैनब का है जी फंक्शन छोटा सा स्कूल में और इसका है जी आज मूवी डे। तो भैया आज बड़ा इन्जॉय करने वाली है। इसे पूछेंगे जब ये वापस स्कूल से आएगी कि भाई इसने कौन सी मूवी देखी और क्या क्या खाया पिया, क्या इन्जॉय किया। तब तक भाई मैं इसे छोड़ के आता हूँ स्कूल। आप उतने भाई मेरे चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो भाई चलते हैं ज़ैनब को स्कूल छोड़ने। अच्छा वैसे दिल बिल्कुल नहीं करता भाई सुबह को उठने का, बिल्कुल दिल नहीं करता। ये जी महीने में इसका एक दिन आता है, मतलब जो है महीने में एक वीक इसका रखा जाता है जब इसका मतलब प्रॉपर इसको मूवीज दिखाई जाती है, मतलब बच्चों को मूवीज दिखाई जाती हैं और बच्चों को जो है गेम्स वगैरह खिलाई जाती हैं। तो भाई ये इसका वीक स्टार्ट हो चुका हुआ है मंडे टू फ्राइडे। भाई इसकी अब स्पोर्ट्स ही होंगी, कुछ गेम्स वगैरह होंगी, कभी गेम्स होंगी, मतलब कल गेम्स हो जाएंगी, परसों कुछ और हो जाएगा, आर्ट वर्क हो जाएगा। तो इस ऐसे चलता है, ऐसे जो है ना वैसे ये भाई ये वीक में जाना बहुत खुश होती है, बहुत हैप्पी होती है भाई। एक्साइटेड हो आप? इधर देख के ये भाई चलते से स्कूल छोड़ते हैं। अभी ज़ैनब को स्कूल छोड़ रहा हूँ और भाई वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये पूरा वीक जो है ना उसका मतलब जो है ना कभी मूवीज, कभी खेलना, कभी पेंटिंग, कभी मर्ड कंपटीशन, मतलब ये कंपटीशन ना पूरा उसका हफ्ता मतलब पूरा वीक जो है ना ये बड़ा इंजॉय करती है। मतलब पूरे महीने की थकावट उसकी ना ये पूरे वीक में उतर जाती है, मतलब उसे बड़ा मज़ा आता है उसे। लेना भाई मैं घर पहुंच गया हूँ, अब मैं जाता हूँ अंदर, अब जाके मैं होता हूँ थोड़ा फ्रेश फ्रेश होके फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। भाई पानी भरना था, पानी भर लिया है बहरिया फिल्टर प्लांट से, ये जी चार बोतलें भरी हैं। तो ये जी सॉरी ये शीदे पस्तौल तो मैं आपको भाई मिलवाना भूल गया। शीदे पस्तौल गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो है जी उज़ैफ़ा। तो पानी शानी भरवा लिया, अब जा रहे हैं भाई घर वापस। अच्छा यहाँ पे आप, आपको पता है आपको एक बार उज़ैफ़ा मैंने वो दिखाया था आपको, बर्ड्स का जू था सेक्टर सी सेक्टर ए। तो मेरे ख्याल से अभी शायद उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है, यहाँ अभी ख़त्म कर दिया हुआ है। दिखाता हूँ भाई आपको, ये था भाई पहले यहाँ पे ना पूरा जंगले लगे हुए थे, जाले लगे हुए थे और इसके अंदर बर्ड ही बर्ड थे, बर्ड ही बर्ड थे, बर्ड ही बर्ड थे। हाँ ये देखें ये यहाँ पे, यहाँ पहले बर्ड ही बर्ड थे, अब उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं क्योंकि वो ना जो रिहायशी थे ना यहाँ के, क्योंकि आप लोगों को पता है बर्ड्स का शोर कितना होता है। तो यहाँ के रिहायशियों ने जो है मतलब थोड़ी कंप्लेन वगैरह की, कंप्लेन भी की और ऊपर से स्मेल भी आना शुरू हो गई थी, तो इसलिए भाई उन्होंने बहरिया मलिक रियाज ने भाई ख़त्म करवा दिया यहाँ से। बहरहाल बहुत खूबसूरत था मकाओ, ये वो बहुत ज़बरदस्त बर्ड्स थे। आपने मुझे भी दिखाया था। हाँ इन बच्चों को भी दिखाया था मैंने। चलो आजो आरो चलें, आजो आरो चलें चलें। हाँ यार उज़ैफ़ा भी साथ। कैसा रहा फंक्शन आपका आज का? ये भाई फाइनली ज़ैनब आ गई है। हाँ जी कैसा रहा आज का आपका दिन, कैसा रहा? बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा। क्या देखा आपने? मूवीज देखी, कार्टून देखे, क्या देखे? मूवी के अंदर कार्टून। मूवीज के अंदर कार्टून देखे और साथ क्या खाया? पॉपकॉर्न। निम्मा पॉपकॉर्न भी खाए और साथ क्या खाया? लंच में क्या मिला था आज? लंच में सैलेड और उसके अंदर लेग और उसके अंदर नान और तेरी शक्ल। चलो ठीक है, मतलब आज आपने काफी एंजॉय किए। आज अच्छा बताओ ना यार, बताओ ना यार, जाना यार। बोतल की दौरी है क्यों दौरी बोतल? इधर बताओ पहले मुझे, मतलब आपने काफी काफी एंजॉय किया आपने फिर। ज़ैनब ने इंजॉय किया काफ़ी, मूवी देखी, पॉपकॉर्न खाए, सालन खाया, बीच में लेग खाया, नाल उन्हें नान खाया, मतलब काफ़ी इंजॉय किया। ऐसी है ना, काफ़ी इंजॉय किया।
ले रहा भाई ये भी फ्रेश हो ले। ये भाई गाड़ी थोड़ी सी हो गई थी हीट, तो इसको भाई मैं थोड़ा सा जो है ना पानी लगा लूँ, वह हल्का सा पानी ऐसे लगाएं ताकि गाड़ी फ्रेश हो जाए। फिर इसके अलावा भाई इसके टायरों पे पानी जो है ना लाजमी लगाया करें, ये गर्मियों में ना टायर्स के ना चल चल के ना सख्त हो जाते हैं, तो ऐसे ना टायर्स के सॉफ्ट रहेंगे। तो मैं ये डेली पानी लगाता हूँ टायरों को। ताकि ना टायर ज़रा सॉफ्ट हो जाए। फाइनली जी मैं भी जो है फ्रेश हो गया हूँ, मैंने भी नहा लिया है, भाई कपड़े चपड़े चेंज कर लिए हैं। तो एक ये है कि जी मौसम शायद जो है ना रुख अपना बदल ले, क्योंकि ना अभी जो है मौसम बहुत मज़े का लग रहा है, हवा चल रही थी अभी, तो मे भी शायद बारिश हो, क्योंकि न्यूज़ में भी बता रहे हैं जी कि ये 23 तारीख से ले के 26 तारीख तक, 27 तारीख तक जो है ना मौसम बारिश वाला रहने वाला है। तो भाई अच्छी बात है, बारिश हो तो ज़रा गर्मी का दौर टूटे, गर्मी एक हफ्ते से बहुत पड़ रही है, बेचारे जो है जो परिंदे वो भी प्यासे बेचारे इधर उधर फिर रहे हैं गर्मी से। इसलिए मैंने भाई अपने लॉन में जो है ना पानी खोल दिया ताकि मेरी क्यारी भर जाए और जो है ना परिंदे जो है ना वो पानी पी सके आराम से। तो भी काफ़ी पानी मैंने काफ़ी लॉन जो है ना उसकी, वैसे मैंने वो जो वो होती हैं कोलियाँ होती हैं पानी वाली, उसमें मैंने पानी भर के रखा भी हुआ है वो बैक साइड पे, तो वहाँ पे भी जो है पीते हैं परिंदे। ये देखें आपको दिखाता हूँ, ये भी चिड़ियाँ निकली हैं अभी पानी पानी पी के अभी आ रही हैं इधर। तो आप लोग भी अपने घरों में ना लाजमी लाजमी कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जहाँ पे आप पानी डालें और परिंदे जो है ना पानी पी सकें इजीली, और मतलब दाना शाना भी डालें लाजमी। फिलहाल मौसम भाई अच्छा हो गया तो खिड़कियाँ मैं बंद कर देता हूँ, आंधी का मुकाम बन सकता है, क्योंकि अचानक हवा चल रही है, मिट्टी उड़ रही है हल्की हल्की, और अचानक आंधी आ जानी और भाई घर का अंदर से तहस नहस बच जाने। और जी खिड़कियाँ मैंने कर दी हैं बंद और अब मैं भाई आके अंदर लेट गया हूँ टीवी लाउंज में, तो भाई सर जो ना थोड़ा घूम रहा है, चक्कर खा रहा है, गर्मी की वजह चक्कर खा रहा है। तो दरअसल ना एसी लगवाए तो हुए हैं, मगर ये है कि वो एसी में बैठने का वो मज़ा नहीं है जो ताज़ा आबो हवा लेने का मज़ा है, तो इसलिए भाई जना मिस करता हूँ थोड़ा सर्दी को, क्योंकि सर्दी में बंदा इजीली बंदा कपड़े पहन सकता है, बंदा खा भी सकता है, बंदा आवाज़दार नहीं होता। और वैसे भी जब से मुझे जो है मसला बना है ना स्टमक का मसला बना हुआ है, मतलब जब 2020 में जब छोटा भाई फौत हुआ था, उसके बाद ना वो घुटन सी घर के अंदर ना मतलब बंद रूम में घुटन सी होने लग गई थी, तो बस वो तब की आदत पड़ गई है कि भाई खुली आबो हवा में रहना है। तो इसलिए शाम को हम लोग भाई बाहर पूरी फैमिली गैराज में जो है चार पहियाँ और पंखे और कुर्सियाँ लगा के भाई बैठ जाते हैं। आज मैं भैया आपको लाजमी वो मंज़र दिखाऊँगा, इंशाल्लाह लाजमी दिखाऊँगा, चारपियाँ लगी होती हैं, कुर्सियाँ लगी होती हैं, पंखे लगे होते हैं, भाई सुकून से बैठ के भाई उधर ही खाना छाना खाना रात का, ठीक है गपशप करना, उधर ही चाय शाय पीना, यही कोई रात को 2 बजे तक बाहर ही बैठे रहना सुकून से, फिर भाई अंदर आके एसी लगा के सो सो जाना, फिर सुबह 7 बजे उठ जाना छोटी को स्कूल छोड़ने के लिए। पर फिलहाल मेरी रूटीन इस तरह की है घर में, फ़िलहाल यही रूटीन है मेरी, तो काम शाम होता है वो मैं अपना कर लेता हूँ काम शाम, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपना जो मैं काम करता हूँ वो भी आप लोगों के साथ लाजमी डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। काम है मेरा थोड़ा सा ऑनलाइन, तो इसलिए ज़रा घर में ही ज़रा ज़्यादातर टाइम मैं घर में ही गुजारता हूँ, तो सब यही पूछते होंगे, कहते होंगे यार ये बंदा कहीं बाहर नहीं जाता ये वो, तो भाई मेरा काम थोड़ा ऑनलाइन है, घर में ही रह के करने वाला, इसलिए फ़िलहाल मैं बाहर नहीं निकलता, और कुछ मुझे डिस्क का इशू भी था तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है ट्रैवल करने से। तो इसलिए फ़िलहाल इंशाल्लाह दुआ करें, अल्लाह पाक खैर करें इंशाल्लाह, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें यार, और कमेंट भी किया करें यार, अच्छी बात होती है, अच्छा करें बुरा करें कमेंट लाजमी किया करें, ठीक है। डेरा अपना रेडी हो चुका हुआ है जिसका मैंने जिक्र किया था आपके साथ, तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई डेरा हम लोग रात को कैसा बनाते हैं। ये जी चारपाइयाँ लगी हुई हैं, ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं, और ये लगे थे पंखे, ये एक पंखा वो लगा हुआ है, एक पंखा वो लगा हुआ है। तो भाई ये है जी हमारा डेरा रात का बाहर, ये क्योंकि गर्मी आज गर्मी भी जो है 42 डिग्री जो है आज सेंटीग्रेड है गर्मी का, तो बहुत गर्मी पड़ रही है भाई, बहुत गर्मी, मैं कुछ 4 मरतबा नहा चुका हूँ
तो अभी फाइनली भाई शाम हो चुकी है और अब भाई हम बैठने लगे हैं यहाँ पे पंखे शंखे चला के माहौल चौल बना के। ये भी जी एक चार पाई और आ जाएगी बाहर, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, कुर्सियाँ भी वो और आ जाएंगी बाहर, बस ये पंखा फिर पंखे चल पड़ेंगे और भाई मौसम जरा अच्छा हो जाएगा अपने लिए। चलो जी दे इजाज़त भाई, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो भाई आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो भाई कमेंट भी लाजमी कर दिया करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे कमेंट भी लाजमी कर दिया करें। दें मुझे इजाज़त, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।